क्रिश्चियन फेल्डरिच जो इन्वेंटर थे हारमोनिका के, और 1820 में ये इन्वेंशन हुई है, और उसके बाद 1829 में फिर एक इन्वेंशन हुई जिसका नाम दिया गया ऑरा। ये तो थी इन्वेंशन वाली बात। अब बात करते हैं हमारे हिंदुस्तान की। जब आरडी बर्मन जी जबरदस्त डायरेक्टर रह चुके हैं, उनके साथ शाना बशाना खड़ा वो लोग जो इस इंस्ट्रूमेंट को बजाते थे, इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाले गौतम चौधरी, भानु गुप्ता, रुस्तम कारवा और जोगेश चंद्र बिस्वास, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस इन्वेंशन के बाद हिंदुस्तान के म्यूजिक में एक अलग रंग दे दिया। और इतना सब होने के बाद आज हमारे जम्मू में दो कलाकार आए हैं, और जब हम अंदर आए और इतना खूबसूरत म्यूजिक और धुन चल रही थी कि हमने कहा कि यह रुकनी नहीं चाहिए, लगातार रहनी चाहिए। यह हो गई इन्वेंशन की बातें और उन लोगों की बातें जिन लोगों ने इस इंस्ट्रूमेंट के साथ काबिलियत हासिल की और फिल्म इंडस्ट्रीज में अपना नाम कमाया। लेकिन अभी ये दो लोग हमारे साथ हैं, द सीनियर सिटीजंस ऑफ इंडिया। सर, आपका नाम जानना चाहिए। रजनीश शर्मा। जिस तरीके से आप ये बजा रहे थे, मेरा तो यही मन कर रहा था कि सर रुके ना, और सर बस कंटिन्यूअसली बजाते रहे। कितना मुश्किल है ये बजाना? और सबसे बड़ी बात, फिटनेस मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप बहुत फिट हैं, कितना मुश्किल लगता है आपको ये चीज बजाना? नहीं, आप तो एक्चुअल हो गए ना, आप तो हमें कोई मुश्किल आती नहीं इसमें बजाने में। कितने टाइम से बजा रहे हैं? काफी स्कूल टाइम से बजाते थे, फिर बीच में ना ये सोशल मीडिया नहीं था तो हमें जो अच्छी क्वालिटी के इम्पोर्टेड माउथॉर्गन यहाँ नहीं मिलते थे। ये तो 2006-07 के बाद हमें ये जर्मन मेड माउथॉर्गन मिलने शुरू हो गए, उसके बाद से हम रेगुलरली बजाते हैं। और उसके बाद ना आप रुके ना ये मौत है, वो तो हमें आप पूरी रात बोलेंगे हम तब भी नहीं थकेंगे, हम बजाते रहेंगे इसको, कोई ना कोई गाना तो आता ही है, बजा ही जाते हैं हम। आप ये देख सकते हैं कि हर चीज में एक एक कदर और टैलेंट की हम कदर करते हैं। और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, मैं चाहूंगा कि खड़े होकर मैं इनसे बात करूं। सर, आपसे ये जानेंगे, आपकी उम्र 77 ईयर्स, लेकिन आपका जो हुनर है वो ऐसा लग रहा है 21 साल का हुनर है, इसके पीछे का राज क्या है? संगीत में रुचि बचपन से ही बहुत ज्यादा थी, तो काफी इंस्ट्रूमेंट, फ्लूट भी बजाता रहा, बेंजो हारमोनियम बजाता रहा, लेकिन पैशन माउथॉर्गन में आ गई। इसमें मैं अभी भी फ्लूट वगैरह बजाता हूँ, हारमोनियम बजाता हूँ, कीबोर्ड बजाता हूँ, लेकिन मैंने पैशन जो था हारमोनिका में था, तो मैं कॉलेज टाइम से इसको बजा रहा हूँ। आप लोग दोस्त रहे हैं कभी? दोस्त ही हैं आप? मतलब स्कूल टाइम ऐसा? नहीं नहीं, आप देखो मेरी उम्र का, ये छोटे बच्चे हैं, अभी इनकी बड़ी उम्र हमसे छोटी है। हम जम्मू में, इनको कहीं पता चला मेरा, तो इन्होंने खोज निकाला मुझे, फिर हम इकट्ठे हो गए, तो फिर हमने ये जम्मू हारमोनिका क्लब की स्थापना की यहाँ, तो यहाँ मेंबर हैं हम, जम्मू में काफी लोग हैं। तो ये मुलाकात जो है, ये मुलाकात कैसे हुई? ये एक्चुअली हम लोग यूट्यूब पर देखते थे, तो YouTube पर एक वीडियो हमने देखा इनका, तो मेरे ब्रदर ने जब वीडियो दिखाया मुझे, तो जब हमने इनका सर नेम ईशर पढ़ा ना, तो हम समझ गए कि ये जम्मू कश्मीर से बाहर के नहीं हो सकते। तो एक दिन लकीली मार्बल मार्केट में मेरे को मिल गए, तो बस वहाँ से फिर मुलाकात हुई, तो फिर हमने एक इसको शुरुआत जो थी वो बात हो गई कि भाई इकट्ठे बैठना उठना लगातार शुरू हो गया। ऐसे ये आप प्ले करते थे, मुझे नहीं जानते थे, मैं प्ले करता था, मैं इनको नहीं। जम्मू कश्मीर में कहाँ कहाँ आपने, क्या ये चीजें? मैं सिर्फ और सिर्फ इस वक्त 6 लोग के करीब हैं जो बजा रहे हैं, उनमें ईशर सर, मैं, मेरे 2 बच्चे और 2 लोग और। आपके 2 बच्चे भी बजाते हैं? वो एक बेटा 10th में है, बेटी 5th क्लास में है। ये वाकई में एक खूबसूरत बात होती है कि जब आपके पास हुनर है तो आप उससे छुपा के मत रखिए, आप उस हुनर को दिखाइए। तो अभी आप कौन सा ऐसा गाना जो है प्ले करने वाले हैं? शंकर जय किशन जी की कंपोजिशन है, और अब ये गाना म्यूजिक यहाँ पे बज रहा है इसमें, और बाकी सारा सिस्टम जो है वो इनका जो माउथ ऑर्गन इनके हाथ में है उससे होगा। तो अब आप ये देखिए कितना ज्यादा जबरदस्त तरीके से ये बजाते हैं। रात के हम सफर,
प्रकार से ये बजा रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि गिरते हैं शहसवार मैदाने जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। इनको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें करने के लिए रह गई हैं, और जिस प्रकार से ये दोनों ये चीजें कर रहे हैं, कितना प्यार है इनको अपने काम से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये प्ले किया। इसमें लंग्स पे कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली वो ये ओम विलोम है तो कंटिन्यूअसली ये कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाता है। और मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि दिस इज वन काइंड ऑफ एक्सरसाइज। कोई भी जो अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, या आप उनमें खाली ड्रा ही ब्लो कर सकते हो, जैसे बांसुरी हो गई, तो इसमें ब्लो ड्रा दोनों है, ये लंग एक्सरसाइज। बहुत कमाल की चीज है, बहुत कमाल की चीज। इंस्ट्रूमेंट है ना जी, तो जैसे अकॉर्डियन है या हारमोनी में उसमें ब्लो ही होता है, लेकिन इसमें अगर मैं अब सांस इसमें बीच में डाल रहा हूँ, अब वापस निकाल रहा हूँ दूसरा नोट निकलता, सो ये एक्ट करता है ब्लो एंड ड्रा पैटर्न पर। ये जो ब्लो ड्रा से आपके जो फ्लूट में आपको ब्लो ही करना है, लेकिन इसमें ब्लो एंड ड्रा तो वो लोम विलोम जो हम एक्सरसाइज हमें बताते हैं योगा में, वो इससे हो जाती है। तो लंग्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि लंग्स और स्ट्रांग और मजबूत। इसमें आपने देखा होगा हम बार बार ये बटन प्रेस करते जी। ये हारमोनियम के ऊपर जो ब्लैक कीज होती है, वो सारी की सारी एक ये बटन है। ये बेसिकली है तो वही इंस्ट्रूमेंट है, उसी के वही रेट है। ये थोड़ा छोटा है, वो थोड़ा बड़ा है। सात सुरों का खेल है, सारे गामा पादा निशा, और ये टोटल 12 सुर होते हैं, सात शुद्ध, फिर कोमल और एक तीव्र, टोटल 12। इन 12 सुरों पर आज तक करोड़ों अरबों गाने बन चुके हैं, तो ये कुदरत का कमाल है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो आपने देखा कि किस प्रकार से ये बजा रहे थे, और इस इंस्ट्रूमेंट को सबसे पहले जनवरी में इन्वेंट किया गया था, और उसके बाद जब हिंदुस्तान में आया तो ये कलाकार आप लोगों के सामने है। आप भी अपने बच्चों को, नॉट एवरीबॉडी इज मेंट फॉर द एजुकेशन, नॉट एवरीबॉडी इज मेंट फॉर टू क्लियर द UPSC। कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो छुपे होते हैं, अपने बच्चों में हुनर तलाश कीजिए, और अगर आपको इन लोगों को तलाश करना है तो आप हमारे चैनल पर इन लोगों को तलाश कीजिए। देखते रहिए, कैमरामैन ऋषि के साथ बाहु एक्सप्रेस, आके वक्त आपके साथ जम्मू से।